ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत आभार आपके प्यार सहयोग और जो आप दिखाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं, उसके लिए मेरी सेवाओं का सदुपयोग हो रहा है, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। मेरा पिछला वीडियो जो मैंने गैस और एसिडिटी पे बनाया, उस पे आप लोगों के बहुत कमेंट्स हैं। मैंने सभी को पढ़ा है और बहुतों के प्रश्न हैं कि हमें सालों से दवा खानी पड़ रही है या अलग अलग परिस्थितियां हैं जिनमें उन्होंने पूछा कि हमें गैस और एसिडिटी से कैसे छुटकारा मिले। मैं आपको एक बात से तो निश्चिंत कर दूं कि गैस और एसिडिटी ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए हमें एलोपैथी की दवाइयां लेनी पड़े। ये बीमारी तो हमारी जीवन शैली का ही कारण है। हमारी जीवन शैली और हमारे भोजन करने का तरीका अगर सही हो जाए तो गैस और एसिडिटी से 100% गारंटी से कहती हूँ आपका छुटकारा हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातें ध्यान देनी हैं, जो आज मैं आपको विशेष रूप से बताती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हमें खाना जो है ताजा खाना चाहिए, अर्थात ताजा बनाना चाहिए और ताजा ही खाना चाहिए जब भूख लगती है, सुबह का, दोपहर का और शाम का खाना। हमारी गैस, अपच, एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है ये फ्रिज और ठंडा बासी खाना, पैकेट बंद खाना खाने की आदतें। फिर खाना खाने का तरीका क्या होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सुबह का नाश्ता हमें 8 से 9 बजे कर लेना चाहिए। दोपहर का भोजन हमें 10 से 12 बजे से 2 बजे के बीच में करना चाहिए, क्योंकि उस समय पित्त जो जूस होता है वो सबसे अधिक बनता है। और शाम का खाना हमें 8 बजे तक खा लेना चाहिए। अब आप अंदर सोच रहे होंगे कि ऐसा तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो हम फिर गैस और एसिडिटी से तो परेशान होंगे ही, पर हमें ये करना है अगर हम दवाओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं। दूसरा, जो फूड पैकेट्स में आता है, जैसे बनी बनाई सब्जियां आजकल लोग ले आते हैं और लाकर बस उबले पानी में रखी और उनको कटोरी में खाली किया और खाने बैठ जाते हैं कि बहुत टेस्टी है, बना बनाया खाना है। कामकाजी महिलाएं हो गई, अकेले पुरुष हो गए या महिलाएं हो गई, किचन में जाने का समय नहीं मिल रहा, बहुत व्यस्त जिंदगी है। अच्छा पैकेज पाने वाले लोग भी और गरीब लोग भी और मध्यम परिवार के लोग भी, सभी आजकल हम गंदी आदतें पाल रहे हैं कि जो रेडीमेड मसाले होते हैं वो लाते हैं, उनसे भोजन बनाते हैं और बना बनाया भोजन भी हम मंगाते रहते हैं या ला करके खाते हैं। तो ये उचित नहीं है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव तो होते ही हैं, जो केमिकल्स हैं। भोजन का तो गुणवत्ता तो उसमें बहुत ही कम हो जाती है, विटामिन मिनरल सब कम हो जाते हैं, ताकत भी कम हो जाती है और हमारे शरीर को नुकसान और पहुंचाते हैं। तो भारी पैकेट बंद भोजन, तली हुई बहुत सारी चीजें, सारे दिन भजिया, दाल, पकौड़ी, नमकीन, चिप्स, ये जो पैकेट्स में बंद है, सूखा सूखा खाना, ये ऐसी चीजें अगर हम बार बार खाते रहेंगे, भोजन में शामिल रखेंगे, या फिर हम मुंह को बार बार चलाते रहते हैं कि ढंग से बैठ के 3 वक्त नाश्ता खाना नहीं खाएंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा घड़ी घड़ी मुंह में चिप्स डाल दिया, एक बिस्किट डाल दिया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ फल डाल दिया, तो वो भी हमारी पाचन प्रणाली को बिल्कुल नुकसान पहुंचाता है और हमें गैस तो बनेगी बनेगी। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें भोजन करना कैसे चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम भोजन ठीक से खाते भी है, चलो 3 बार खाते हैं, हम ढंग से भोजन बैठ के खाना चाहते हैं, लेकिन हमारी थाली में भोजन में वैरायटी भी तो बहुत होती है कि मीठा भी उसमें है, फल भी है, सलाद भी है, रोटी सब्जी चावल है, और इसके अलावा हमारे पास मीठा या दही का रायता है या दही बड़े हैं, तो बहुत सारी वैरायटी है, चटनियां हैं, तो हमें उसे कैसे खाना होता है। ऐसे खाएंगे अगर हम कि इसको पहले एक बार हमने एक पीस सलाद का खा लिया, फिर एक रसगुल्ला खा लिया, फिर हमने चटनी खा ली, फिर हमने उससे आलू टिकिया खा ली, फिर उसके बाद फिर एक रसगुल्ला खा लिया, फिर हमने 2 चम्मच उसमें मीठे की कुछ और चीज थी वो खा ली, फिर 2 घूंट हमने दही बड़ा का 1-2 चम्मच खा लिए, तो ये निश्चित रूप से आपके शरीर में जाके जहर बनेगा, खाना नहीं आपको पचेगा और गैस बनेगी, पित्त बनेंगे और एसिडिटी होगी। तो हमें खाना कैसे खाना है,
अगर हाँ, मान लो इतनी सारी चीजें खाने में है भी और दावत में गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें फल खाना चाहिए। अगर हमें फल खाना है तो खाने से आधी घंटा पहले जितना फल खाना है आप चबा चबा कर बैठ कर अच्छे से खा ले। फल खाने के आधी घंटा कम से कम बीत जाने दे, ताकि वो फल जो है वो सारा जूस उसका जितना बनाना है स्टोमक में बन जाए। उसके बाद आप भोजन की थाली लें। अब भोजन की थाली में भी सबसे पहले अगर आपको मीठा है खाने के लिए और खाना चाहते हैं, तो पहले मीठी चीजें खा लीजिए। मीठी चीजें खाने के बाद आप फिर दाल रोटी चावल सब्जी जो भी है, आप अचार चटनी वो सब खा सकते हैं, लेकिन सारा ही भोजन शांति से चबा चबा कर खाना है आपको, शांति से तसल्ली से खाना है। उसके बाद उसके साथ आप थोड़ा बहुत अगर कच्ची सब्जियां हरे सलाद वगैरह भी आपने ले रखे हैं, तो प्लीज वो रोटी सब्जी खाने से पहले थाली शुरू करते हैं, तब आप सलाद अलग से पहले खाकर खत्म कर ले। जैसे आपने फल आधी घंटा पहले खा लिया ना, उसी तरह आप सलाद जो है वो कच्ची सब्जियां जो काटी हुई है, टमाटर ककड़ी खीरा मिर्ची जो भी है, तो वो आप पहले खाकर उसको भोजन से पहले समाप्त कर ले, उसके बाद रोटी दाल चावल खाना शुरू करेंगे। हाँ, अब इसको खाते वक्त जो है आप उसके साथ दही बड़ा भी खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दही बड़ा खा सकते हैं, पापड़ खा सकते हैं, खिचिया खा सकते हैं। ये खत्म किया खाना। खाना खाने के बाद हो सके तो दोपहर के खाने में आप खाने के पीछे छाछ जरूर लें, या खाने के बीच बीच में थोड़ा दो चार घूंट गर्म पानी पिए। अगर रहता है आपके पास पॉसिबल है तो गर्म पानी पिए, नहीं तो एक कप या आधा गिलास पानी खाने के बीच बीच में भी पीना चाहिए। हाँ, भरपूर पानी या ज्यादा पानी, एक गिलास या ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे खाना डाइल्यूट हो जाता है और हमारे एंजाइम उस पर ठीक से काम नहीं कर पाते, तो गैस बनती है, खाना अपचा रह जाता है। अब इसके बाद में आपको बताती हूँ कि खाने के बाद में एक नियम बना ले घर में कि खाना बनेगा उसके साथ में पीछे भगोने में आप दो गिलास पानी उबाल लें, चार लोग हैं तो उसमें आधा चम्मच अपनी पसंद से या अजवाइन या जीरा या फिर आप सौंफ डाल के उस पानी को उबाल लें, और वो गरम गरम पानी खाने के पीछे आप एक एक कप पानी सभी लोग पिए। आप चमत्कारी रूप से महसूस करेंगे कि आपको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये बहुत अच्छा पाचक रस का काम करता है और जो भोजन हमने खाया है उसको सेटल करने में बहुत अच्छा आसानी कर देता है। फिर मैं आपको कहूंगी कि छाछ, अगर दही छाछ जो भी खाना है तो भोजन में दोपहर में शामिल करें, रात के भोजन में दही छाछ बिल्कुल भी ना खाएं। और जो मीठी चीजें हैं वो आप रात के भोजन में, दूध से बनी हुई मीठी चीजें वो रात के भोजन में आप ले सकते हैं, शामिल करें। और रात को भी, जब दिन हो या रात, जब आप भोजन कर ले तो सीधा बिस्तर में ना लेट जाए। भोजन करने के बाद आपको थोड़ा सा टहलना चाहिए या कुछ काम करना चाहिए। अगर आप वृद्ध भी हैं तो भी आप प्लीज लेटे नहीं इमीडिएटली, आप थोड़ी देर बिस्तर में बैठे रहें। और भोजन करते वक्त कैसे बैठना है ये तो मैंने आपको उस पहले वीडियो में बताया था कि या तो पद्मासन में सबसे बेस्ट है, नहीं तो सुखासन में बैठिए, नहीं तो आपके घुटने दर्द है जैसा कि बहुत से भाई बहनों ने कहा, तो धरातल पे तो बैठे, लेकिन आप पैर फैला के बैठ सकते हैं, लेकिन भोजन बैठ कर करें, खड़े खड़े या कुर्सियों पे पैर लटका कर भोजन ना करें, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब इसके बाद मैं आपको कहूंगी कि भोजन में जो है मौसम के अनुसार खाएं। भोजन में जैसे हम खाते हैं सब्जियां, तो आज अभी जैसे गर्मियों का मौसम है तो लौकी टिंडी तुरई भिंडी ग्वारफली जो ये सब्जियां आती है काचरा, यही हमें खाना चाहिए, या फिर उस स्थान विशेष की जो भोजन की सब्जियां उपलब्ध होती है, क्योंकि देखो जो प्रकृति हमें उपलब्ध करा रही है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे उपयुक्त चीज है। तो जिस जगह जिस स्थान पे जो भोजन उपलब्ध होता है, उस प्रकृति ने जो उपलब्ध करवाया आपको, वो भोजन खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप हैं तो गर्मियों के मौसम में और आप कोशिश करके कहीं से भी महंगा खरीद कर गोभी लाते हैं, आलू लाते हैं, और मतलब गोभी आलू के साथ मूली गाजर लेकर आते हैं और उसको रोज रोज खाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको गैस बदहजमी और एसिडिटी पैदा करेगा। ये सर्दियां सर्दियों में ही खाई जाती है,
क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर की गर्मी उष्णता जो होती है पाचन तंत्र की, वो उसको पचाने में सक्षम होती है। ये गरिष्ठ सब्जियां होती है। अब इन सब बातों के साथ मैं आपको एक विशेष बात कहूंगी कि ये तो सब भोजन करना जो है, ये बातें तो थी कि आप आत्मा का भोजन नहीं कर रहे हैं, ये शरीर को भोजन करवा रहे हैं, और आप खुद क्या है, शरीर को चलाने वाली शक्ति है। और आत्मा का भोजन क्या होता है, इस पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ शरीर के भोजन को ही व्यवस्थित करेंगे तो भी आपको गैस, एसिडिटी या पच तो होगा। अब आत्मा का भोजन क्या होता है, हम आत्माएं हैं और हमारा भोजन है शुभ संकल्प, सकारात्मक बातें, विचार, खुशी की बातें, शुभता की बातें, और हमेशा अच्छी सोच रखना। कभी भी भोजन करते वक्त अगर आप भोजन सिर्फ शरीर को खिलाएंगे, आत्मा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप अस्वस्थ ही रहेंगे। तो खाना खाते वक्त शरीर और आत्मा दोनों को भोजन कराना चाहिए। अर्थात मैं कहना चाहती हूँ कि भोजन करते वक्त कभी भी मोबाइल, टीवी आदि ना देखें, क्योंकि उनपे ध्यान रहता है ब्रेन का, तो आत्मा का भोजन का ध्यान बिल्कुल हट जाता है। शरीर के अंदर आप खाद्य पदार्थ तो डाल रहे हैं, लेकिन उसको कैसे पचाना है, इस पे मस्तिष्क ध्यान नहीं दे पाता और पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है। तो भोजन करते वक्त टीवी, फ्री मोबाइल और बातचीत बंद रखें। आवेश में आके बिल्कुल बात नहीं करें, हल्की फुल्की बातचीत कर सकते हैं, और शांति में बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, तनाव, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उस समय भोजन करना अवॉइड कर दे, त्याग दे, और बाद में जब शांत दिल हो जाए तब भोजन करें। और समय कभी बीत भी जाए भोजन करने का, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे समय में भोजन करें, जो हमारा शाम का समय आएगा। अवॉइड करने के बाद समय को यूजुअली गैस अपच होती है, तो कोशिश करें आपके भोजन का समय हो, उस वक्त आपका शांत दिल दिमाग हो, स्वच्छ स्थान हो, शुद्ध वातावरण हो, और खुशी के माहौल में आप भोजन ग्रहण करेंगे। इसके अलावा अगर आप दिन भर ये सारी बातों का पालन कर लेंगे, पर आपके स्वभाव में चिंता की आदत है, तनाव रखने की आदत है, हर वक्त दूसरों से अपेक्षाएं करने की आदत है, या फिर आप समझते हैं कि आपके जीवन में अगर खुशी नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि दूसरे लोग इसका कारण है, वो लोग आपको खुश नहीं रहने देते, और छोटी छोटी बातों को आप दिल में गांठ बांध कर रखते हैं, तो भी आपका भोजन नहीं पचेगा, आपको गैस, एसिडिटी रहेगी। तो आप इन विशेष बातों पर ध्यान देंगे और खुश रहना सीखें, छोटी छोटी बातों को भूलना सीखें, माफ करना जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े साहस का परिचय है। और अगर हम लोगों को माफ करते हैं तो उन पे कुछ कृपा नहीं करते, बल्कि हम अपने ऊपर कृपा करते हैं कि हम उससे जीवन में अपनी खुशी कायम रख सकते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी सारी बातों पे आप ध्यान रख के और आगे से भोजन करने की विधि अपनाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि आप निश्चित रूप से गैस, एसिडिटी की समस्या से पूरा छुटकारा पा लेंगे। और आप इसको करके देखिए, सिर्फ सुनकर ना छोड़ दीजिएगा, आप उसे अपनाएंगे ना, 5-7 दिन करके देखिए, आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, और आपको किसी दवाइयों की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी, बरसों से पुरानी एसिडिटी और गैस आपकी खत्म हो जाएगी, बल्कि आपको शरीर में हल्कापन भी लगेगा। और इन बातों के साथ एक बात और ध्यान रखें कि जब भी भोजन करें एकदम भरपेट नहीं करें, थोड़ा सा भूख से कम भोजन खाएं। जैसे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी पे उस पर रुक जाएं और थोड़ा पेट खाली रखें, उससे आपको जीवन में हल्कापन महसूस होगा और भोजन पचेगा भी आसानी से। और पानी जो पीना है, या तो भोजन के आधे घंटा पहले पी लें या भोजन के बाद में पिएं, और दिन भर में आपके वातावरण और कार्यशैली के अनुसार आप पानी जरूर पिए। वो पानी की मात्रा 3 से 8 लीटर तक हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके शरीर से कितना पसीना निकल रहा है, आप कैसे मौसम में, गर्मी में काम कर रहे हैं, एसी में काम करते हैं, किस तरह से रहते हैं। तो पानी पर्याप्त पीना भी जरूरी है, पर भोजन के साथ पानी नहीं पीना है। तो मुझे उम्मीद है आप इन सब बातों को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाएंगे, अपने पाचन तंत्र को बिल्कुल स्वस्थ करके मुझे ये खुशखबरी सुनाएंगे। ओम शांति।